डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी समस्याओं से डे टू डे लाइफ में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, त्रस्त हैं, पस्त हैं। लाइफ के जो पांच मेजर एस्पेक्ट होते हैं, पहला एस्पेक्ट हेल्थ, दूसरा एस्पेक्ट फैमिली, तीसरा एस्पेक्ट कैरियर और फाइनेंस, चौथा एस्पेक्ट सोशल नेटवर्किंग और सोसाइटी, और पाँचवा एस्पेक्ट खुद सेल्फ। इन पाँचों एस्पेक्ट्स में हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं। कभी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए हम डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं। हेल्थ डे टू डे बेसिस पे जैसी होनी चाहिए वैसी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्लॉगिंग हो रही है। जहां बात करें रिलेशनशिप की, फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंस और कैरियर, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। डे टू डे बेसिस पे ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं इस फाइनेंस को मैनेज करने में, अपने कैरियर को मैनेज करने में, कि आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। और जहां बात आती है सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने की, तो बहुत सारी चीज़ें आपका दिल दुखा देती हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन आप पूरा नहीं कर पाते। आप उनके साथ एक अच्छा हारमोनी बनाना चाहते हैं, लेकिन बदले में आपको या तो धोखे मिल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, इंसल्ट मिल रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जा रही हैं कि आपका सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। क्या कारण है इन सब चीज़ों का और क्या है समाधान? हम समाधान ढूंढना तो चाहते हैं, और इस समाधान की तलाश हम बाहरी दुनिया में कर रहे हैं। सोचते हैं किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, कोई अच्छी जान पहचान हो जाए, कोई अच्छा नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए। चमत्कार की आशा हमें है, होप है, लेकिन हो नहीं रहा है। और जब लगातार जूझ रहे हैं, तो लगातार जूझने के बाद फिर एक ऐसी मेंटल स्टेट आ जाती है जहाँ पर डिप्रेशन आता है। एज ए पर्सनल मेंटर पिछले कई सालों में मैंने इस प्रकार की कई हस्तियों को देखा, कई लोगों से मिला, कई लोगों से सेशंस भी लिए। दो प्रकार के रास्ते होते हैं इन समस्याओं से जूझते जूझते लोगों के साथ। कुछ लोग इन समस्याओं से जूझते जूझते डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के बाद फिर जब हार जाते हैं जिंदगी से, तो सुसाइड कर लेते हैं। और एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो इन समस्याओं से जब हार जाते हैं जूझ कर, तो फिर वे गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, या तो उन्हें गलत आदतें घेर लेती हैं, शराब, जुआ या चोरी डकैती। लेकिन इन दोनों ही रास्तों पर सक्सेस नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। दोनों ही रास्ते जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सुसाइड करने वाला तो चला जाता है, उसके पीछे की जो फैमिली उन्हीं समस्याओं को कई गुना ज़्यादा विकराल रूप से फिर वो फेस करती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, उनके बारे में आप सब जानते ही हैं कि उनकी ज़िंदगी का क्या हश्र होता है। शॉर्ट टर्म सक्सेस के चक्कर में और लॉन्ग टर्म अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बर्बाद कर देते हैं। क्या है इन समस्याओं का समाधान? क्या इन समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में ढूंढा जा सकता है? नहीं, इन समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है, स्वयं के साथ। और जिस वजह से ये जो परेशानियां हैं, ये दिन भर आती हैं, डे टू डे में आती हैं, ये समस्याएं हमारी ज़िंदगी का सुकून छीन ले रही हैं। आज हम एक सतही जीवन जी रहे हैं, उथला जीवन, जीवन के प्रति समझ नहीं है। जैसे जो मछलियां ऊपर की लेयर में तैरती हैं ना, उनको बाज ले जाता है उठाकर, लेकिन जो समंदर के गहरे पानी में तैरती हैं, बाज की ताकत नहीं है कि उनको छू सके। ऐसे ही ये समस्याएं उन्हीं लोगों को प्रभावित करती हैं जिनका जीवन के प्रति समझ बहुत ही सही है, उथला जीवन जी रहे हैं। डीप लेवल पे जाकर जीवन को समझना होगा, और जीवन को समझने से पहले भी अपने आप को समझना होगा। मैंने अपने 20 साल के मेडिकल कैरियर में इस बात को भली भांति बहुत पहले से ही समझ लिया था कि समस्याएं तो जीवन का एक अहम हिस्सा है, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मैंने अपने साथ एक ऐसी समस्या पैदा कर ली कि जिस समस्या के समाधान में मैंने अपना जीवन बहुत शांति के साथ गुजारा। ये समस्या थी कि मैंने अपने जीवन का एक ऐसा गोल बना लिया कि उस गोल के पीछे जो जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ, और उस जुनून को और उस गोल को पाने के लिए जिस प्रोसेस से मैं गुजरा, तो मुझे मज़ा भी आया और बहुत सारी आलतू फालतू समस्याएं मुझसे दूर हो गई। दूर होने का मतलब वो समस्याएं मेरे आसपास थी, लेकिन मेरा ध्यान उन समस्याओं पर नहीं गया। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पास एक बड़ी और शानदार समस्या जरूर रखिए। आपके पास एक शानदार और जानदार और एक बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर आप बहुत सारी छोटी और बेकार की समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं। तो
अगर आपके पास कोई एक खास समस्या नहीं है, कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपका ध्यान वो छोटी छोटी बेफालतू की समस्याओं पर डेली बेसिस पर जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, आप त्रस्त हो जाएंगे, पस्त हो जाएंगे। इस बात को मैंने भली भांति समझ लिया था, इसीलिए जब मैं 12th पास किया तभी से मैंने लिए अपने लाइफ के लिए गोल चुना कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, एक शानदार हॉस्पिटल बनाना है और लोगों की मदद करनी है इन समस्याओं से बाहर आने के लिए। और जैसे जैसे मुझे सफलता मिलती गई वैसे ही मैंने अपनी इस बड़ी समस्या को और बड़ा कर लिया, मैंने अपने गोल्स को और बड़ा कर लिया ताकि मैं लोगों की मदद भी करते जाऊं और जो डे टू डे बेसिस पे जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उनसे मेरा ध्यान विचलित ही ना हो। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और आज अगर मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता हूं तो इस 20 सालों के अंदर बहुत सारी बेफालतू की समस्याओं से मैं इसीलिए बच पाया क्योंकि मेरा फोकस, मेरा गोल और मेरा टारगेट सब चीज मेरे पर्पस और मेरे पैशन पर था। पर्पस, पैशन, प्रोफेशन और पैसा, ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक लाइफ को जीने का पर्पस होना चाहिए, एक बड़ी समस्या आपके पास होनी चाहिए जिस समस्या को आप सॉल्व करते करते अपना जीवन पैशन के साथ जी सके। और फिर धीरे धीरे जब आपके पास स्किल भी आ जाते हैं उस समस्या को सॉल्व करने के, तो आप एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है और आप एक प्रोफेशन का हिस्सा बन जाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। और फिर जब ये तीन चीज मिल जाती है, पर्पस, पैशन और प्रोफेशन, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो पैसे की आपके ऊपर बरसात होती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? ये जो मैं चार बातें कह रहा हूं, इन चार बातों पर ध्यान से सोचिएगा। क्या आपके पास एक पर्पस है? क्या आपके पास एक पैशन है? पर्पस और पैशन के साथ क्या आपने कोई प्रोफेशन भी डेवलप किया है उस पैशन और पर्पस को अलाइन करते हुए? अगर नहीं है तो पैसा इसीलिए शायद आपके पास नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहा है तो जिस तरीके से पैसा आपको आ रहा है वो स्ट्रेस दे रहा है। आप अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। जो लोगों के पास पर्पस होता है, जिसके पास पैशन होता है, उसी प्रोफेशन में काम करते हैं, पैसा भी स्पॉन्टेनियसली आता है और जिंदगी को खुल के जीते हैं। ये सारी बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि फोकस हमेशा समस्याओं पर नहीं, खुद पे रहना चाहिए। जब आपका फोकस स्वयं पर रहेगा समस्याओं का समाधान आप अपने आप निकालते रहेंगे, लेकिन जब आपका फोकस समस्याओं पर रहेगा तो खुद भी परेशान रहेंगे और समस्याओं का समाधान भी नहीं मिलेगा। हम समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं और बाहरी दुनिया में केवल और केवल समस्याएं मिलेंगी, समाधान नहीं। समाधान मिलेगा खुद के अंदर, स्वयं के अंदर। आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पूरी दुनिया से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से फिजिकली मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से टेलीफोनिकली मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिससे आप कभी नहीं मिलते वो आप स्वयं हैं। क्योंकि जब आप उसे फोन लगाते हैं ना खुद को, तो भी अंदर से बिजी रिंगटोन ही आती है, ये आदमी व्यस्त है दूसरों से बात करने में, इसके पास समय नहीं है, इसके पास फुर्सत नहीं है सांस लेने की, इसके पास समय नहीं है खुद से मिलने का। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को समझा, 5 गुरु मंत्र हैं सफलता के और इन समस्याओं से समाधान के। पहला है खुद को जानना, दूसरा है खुद को पहचानना, तीसरा है खुद को मानना और चौथा है खुद पर निवेश करना और पांचवा है खुद को मैनेज करना। जिस व्यक्ति ने इन 5 चीजों को जान लिया, इन गुरु मंत्र को मान लिया और इन पे काम करना सीख लिया, वो जिंदगी सुकून में है, सफलता के साथ में है। मैंने ये 5 गुरु मंत्र अपने जीवन में शुरू से ही अपनाए। खुद को जानना, खुद को जानना मतलब कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, क्या मैं इस जीवन में परेशानियां झेलने के लिए आया हूं या मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है। खुद को पहचानना, अपनी पर्सनैलिटी को जानना, बहुत सारी चीजें आपके अंदर जो आपको नहीं मालूम, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका माइंड का टाइप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स कौन से हैं, आप वात हो कि पित्त हो कि कफ हो, आपके अंदर सत्व है, रजस है, तमस है, आपकी 16 टाइप की पर्सनैलिटी में से कौन से टाइप की पर्सनैलिटी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कौन से खतरे आपको महसूस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप अपने बारे में नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा वो चीजें आपके सरफेस पर, आपके कंप्यूटर के, माइंड के कंप्यूटर में कई बार पॉपअप हो जाती हैं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाते। खुद को जानना और खुद को पहचानना, और इन सब के बाद आता है खुद को मानना। जान लिया, पहचान लिया, तभी तो आप अपने आप को मानेंगे कि आपके अंदर कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं, जिन अद्भुत शक्तियों के साथ आप इस जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। हनुमान जी, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, शक्तियां थी, लेकिन वो खुद को नहीं जानते थे, खुद को पहचानते नहीं थे। जामवंत ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास करवाया और फिर देखिए हनुमान जी
क्या से क्या हो गए, कैसे उन्होंने उस विशाल समंदर को पार कर लिया जिस समंदर पे पूरा लंकापति रावण का राज था। लंकापति रावण की इच्छा के बिना कोई उसे पार करने की बात तो दूर, उसके ऊपर से गुजरने का सोचता भी नहीं था उन शक्तियों के माध्यम से। अब ये कलयुग है, अब जामवंत नहीं आएंगे, हम खुद ही हनुमान हैं और खुद ही हमें जामवंत भी बनना होगा और अपनी शक्तियों को भी पहचानना होगा जो हमारे अंदर छुपी हुई है। खुद को जानना, खुद को पहचानना और खुद को मानना, सेल्फ बिलीविंग, केवल इन तीन चीजों से नहीं होगा। उसके आगे के दो गुरु मंत्र वो हैं, खुद को खुद पर निवेश करने के लिए मनाना। बहुत सारे निवेश हम करते हैं लाइफ में, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एफडी में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, इस चाहत में कि पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन एक निवेश करना भूल जाते हैं, वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद पर निवेश। खुद पर निवेश एक ऐसा निवेश है जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा ही देगा, बाकी जितने भी निवेश हैं वो बाजारी जोखिमों के अधीन है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट विच इन लॉन्ग टर्म गिव यू डेफिनेट बेनिफिट्स, रेस्ट ऑल अदर इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इस बात को समझिएगा। बस ये पांच चीजें, जब आप खुद पर निवेश करने के तैयार होते हैं फिर आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, फैमिली को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जॉब को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते। कारण कि हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया, सेल्फ मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे सर ये बातें हमने बहुत बार यूट्यूब पे सुनी है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं इस प्रकार के, लेकिन ये होता नहीं है, ये केवल बोलने बोलने की थ्योरेटिकल बातें हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बोलने की बातें नहीं, समझने की बातें हैं, जिसे आपको प्रैक्टिकल वे में मैं समझाने के लिए लेकर आ रहा हूँ एक अद्भुत प्रोग्राम, इसका नाम है डेट विद यूर सेल्फ। मेरा काम है केवल बातें करना नहीं, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सीखा और जिसके द्वारा मैं लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ रहा हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट का एक बेस्ट वर्कशॉप, दो दिन का वर्कशॉप होगा ये, डेट विद योर सेल्फ। आज तक आपने बहुत सारे लोगों के साथ डेट किया होगा, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गए होंगे, कैसा लगता है डेट पे जाने के बाद? शायद अच्छा ही लगता होगा, आनंद आता होगा। कैसा लगता है डेट से वापिस आने के बाद? वापिस आने के बाद फिर आप अपने आप को उन्हीं समस्याओं में घिरा हुआ पाते हैं जिन्हें आप छोड़ के डेट पे गए थे। बहुत बार आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए, लेकिन उस वेकेशन में आप अपनी फैमिली को ही मैनेज करते रह जाते हैं और आने के बाद और थकावट होती है और घबराहट लगती है और बेचैनी लगती है, क्योंकि वो समस्याएं जिनको आप वेकेशन पे जाने से पहले छोड़ के गए थे वो तो वैसी की वैसी ही हैं। बहुत बार आप अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी में जाते हो, ड्रिंक भी करते हो, मौज मस्ती करते हो, अच्छी बात है करिए, लेकिन क्या सॉल्यूशन मिला आपको उन पार्टी में जाने से आपकी समस्याओं का? आने के बाद अगले दिन हैंगओवर से वापस उठने के बाद, अगले दिन पार्टी के नशे से बाहर आने के बाद वो समस्याएं आपको और परेशान करती हैं। इस सब का कारण ये है कि आपने कोई ऐसा वकेशन नहीं लिया जिसमें आप केवल अपने साथ थे, और ये वकेशन है डेट विद योर सेल्फ, अपने साथ, केवल अपने साथ टाइम बिताना, अपने आप को डेट करना। ये दो दिन का एक अद्भुत प्रोग्राम होगा जो मैं लेकर आ रहा हूँ पॉजिटिव हेल्थ जोन में। पॉजिटिव हेल्थ जोन जो एक यूनिक वेलनेस सेंटर है जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं वेलनेस को लेकर। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने कहा ना, आप वेकेशंस पे जाते हैं, मौज मस्ती में जाते हैं, पार्टी पे जाते हैं, डेटिंग पे जाते हैं, लेकिन वहाँ आप केवल रिजुविनेशन और रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, थोड़ी देर डी स्ट्रेस होने के लिए जाते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। कितना अच्छा हो कि अगर आपको कोई दो दिन का ऐसा प्रोग्राम मिले जिसमें आप सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाएं, अपने आप को रिजुविनेट भी करें, रिलैक्स भी करें और साथ ही साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी आपको मिले। यस, ये प्रोग्राम मैंने बहुत सोच समझ कर, बहुत रिसर्च करके प्लान किया है, डिज़ाइन किया है। इसमें होगा क्या, जब आप पहले दिन पॉजिटिव हेल्थ जोन में आएंगे तो एक दिन हम आपको सुनेंगे पूरा और दूसरे दिन आपको चुप रहना है, आप हमें सुनेंगे। एक दिन, पहला दिन हम चुप रहेंगे, आप हमें सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कुछ आपके अंदर भरा हुआ है जो आज तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं, हम समझेंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से। और अगले दिन आपको समझकर आपकी समस्याओं के समाधान हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। उस दिन आपको साइलेंस में रहना होगा, कंप्लीट साइलेंस, सेकेंड डे सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह तक 24/7 का एक साइलेंस, 24 आवर्स का एक कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस अपने आप में एक शानदार अवस्था है,
साइलेंस मौन नहीं होता, साइलेंस में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस मौन के अंदर एक गूंज है, आपकी खुद की गूंज, आपके अंदर की आवाज। आप तभी सुन पाओगे जब आप अपने आप को साइलेंस में जाओगे। इस दो दिन के प्रोग्राम में आप पहले दिन जब आप आएंगे तो खुद को जानना और खुद को पहचानने के लिए आपका एक कंप्लीट पर्सनैलिटी एनालिसिस होगा, जिसमें करीब करीब 10 टेस्ट किए जाएंगे। और इन 10 टेस्ट की मदद से, जो कुछ मशीन बेस्ड हैं, कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस हैं, कुछ फिजिकल एनालिसिस हैं, सारे टेस्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि आप कौन हो और क्या हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसके बारे में अभी तक आपने जाना ही नहीं था। आप 25 साल तक उस इंसान के साथ रह रहे थे, लेकिन कभी आपने उस तरीके से जाना ही नहीं उसको। फिर जब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप एक्चुअल में चाहते क्या हो आपको मालूम ही नहीं है। आपको ये सब मालूम है कि क्या नहीं चाहते हो, लेकिन ये मालूम नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आपके अंदर से निकलवाने में आपकी मदद करेंगे, जो ब्यूटीफुली डिज़ाइन क्वेश्चनेयर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं और जो सेशंस हैं उसके दौरान। और साथ ही साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, डाइट, लाइफस्टाइल प्लान, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्लान की जाएंगी इस दो दिनों के अंदर में। तो ये एक अद्भुत प्रोग्राम डेट विद योरसेल्फ, जो दो दिनों का होगा, पॉजिटिव हेल्थ जोन के कैंपस में होगा, जहां पर आपको फूड, अकोमोडेशन और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुर्वेद नेचुरोपैथी का बॉडी डिटॉक्स होगा, माइंड डिटॉक्स होगा, एनर्जी का वापस रीप्रोग्रामिंग होगा, अलाइनमेंट होगा आपका खुद का, माइंड ब्रेन बॉडी सोल चारों का अलाइनमेंट। इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए, और अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में फिर एक बात कहना चाहूँगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और जब तक आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। खुद से खुद की तलाश, खुद से खुद की यात्रा पर चलने का नाम है डेट विद योरसेल्फ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।